सारी दुनिया में मुसलमान बहुत परेशान है, सारी दुनिया किसी एक जगह नहीं। या तो ये परेशानियां हमारे गुनाहों की वजह से है और ज्यादा परेशानियां हमारे गुनाहों की वजह से है। दूसरी वजह यह है दीन पर अमल करने का जज्बा दिलों से ख़त्म हो गया, उसकी वजह से ये परेशानियां हैं। ये इंफिरादी परेशानियां बहुत होना चाहिए। मस्जिद अक्सा जो हमारा क़िबला है, मदीने में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 महीने मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, 18 महीने, डेढ़ साल के बाद अल्लाह ने कहा काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, तो हमारा क़िबला अल्लाह ने उसको मंसूख कर दिया। लेकिन उस क़िबले की इज्जत, उसका एहतराम हमारे दिलों में है। आज देखिए यहूदी ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा किए हुए हैं, मुसलमानों की नमाज की जो जगह है उसमें नमाज पढ़ने नहीं देते। बूढ़े हैं 50 साल से ज़्यादा किसे खो जाएंगे, उससे कम के लोग कुछ नहीं। हमारे दिलों में रंज है क्या, हमारे दिलों में तड़प है क्या, या अल्लाह मुसलमानों को इतनी परेशानी, नमाज पढ़ने नहीं देते। 5 जुमे से इसे हो रहा है, कितने लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग जमा होते, कहाँ कहाँ से आते होंगे नमाज पढ़ने के वास्ते। दीन की मोहब्बत है ना, इसलिए आके जान देना चाहते, जान जाए, लेकिन हम क़िबले को बचाएंगे, अपनी मस्जिद को बचाएंगे। लेकिन हम तो न्यूज़ में पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग देखते भी होंगे यहूदी क्या क्या जुल्म करते हैं, कितने मुसलमान फ़लस्तीनियों को कत्ल करते हैं, गोली मार के शहीद कर देते हैं। हमारे दिलों में रंज आया क्या, उस क़िबले की तड़प हमारे दिलों में आई क्या, नहीं जी कुछ भी नहीं आई। ये क्या हुआ, दुनिया में इतने मशगूल हो गए, आखिरत की फिक्र नहीं, भाइयों की फिक्र नहीं, क़िबला अव्वल की फिक्र। ये सब किस वजह से, दुनिया में मशगूलियत। इसलिए दीन के लिए वक्त निकालना हर आदमी के लिए ज़रूरी है। कितनी खबरें हम पढ़ते हैं अखबार में, कितने लोगों पर जुल्म होता है, कत्ल कर दिए गए, मार मार के, काट काट के, बहुत सारे मुसलमान। उनका क्या गुनाह था, मुसलमान थे, दूसरा कुछ नहीं। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, कोई डकैती नहीं किए, कोई बम नहीं रखे, मुसलमान थे इसलिए उनको कत्ल किया गया। वो खबरें पढ़ते वक्त हमारे दिल में रंज होता क्या, हम दुआ करते हैं क्या, नहीं जी। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम पर जो मुसीबतें आती हैं, तुम पर हो, तुम्हारे दीन पर हो, तुम्हारे भाइयों पर हो, क्या करना उसका इलाज, कहा कि अल्लाह से गिड़ गिड़ा कर दुआ करो, उसकी वजह से मुसीबतें जाएंगी। पता नहीं 1000 आदमी दुआ करेंगे तो किसकी दुआ कबूल होगी, लिहाजा इसका ख्याल करना चाहिए। तो दीन से दूरी इसलिए पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उस आदमी की दुआ को कबूल नहीं करता जिसका खून और गोश्त हराम माल खाकर बड़ा, हराम माल खा के बड़ा, हराम माल खाने के बाद दुआ कबूल नहीं होती। मिसाल भी दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी निकलता, दीनदार आदमी थी, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता, सब कुछ करता, निकला जिहाद के लिए, समझो या एक साहब अल्लाह को दीन के, अल्लाह के बंदों को दीन की तरफ बुलाने के लिए निकला, बालों का ख्याल नहीं, कपड़े का ख्याल नहीं, अल्लाह का ख्याल, नहाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो उठा के अल्लाह से दुआ करता, हाथ उठा के सफ़र की दुआ कबूल करता अल्लाह, हाथ उठा कर दुआ करे तो अल्लाह कबूल करता, दिल से दुआ करे तो अल्लाह कबूल करता, और एक नेक बंदा नमाजी उसकी दुआ कबूल करता। लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं, उसका खाना हराम का, उसका ड्रेस हराम का, जो कपड़ा पहना है
उसका हराम की कमाई का जो खाना खाया है वो भी हराम खाना, धोखा देकर झूठ बोलकर गलत माल कमाकर दूसरों का माल छीन कर खाए ना, अन्ना इससे चबली दालिक, ऐसे आदमी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। तो पर मुसीबतें आती हैं तो दुआ करते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती है, सोचते नहीं कि क्यों दुआ कबूल नहीं होती है, इतने दिन से दुआ कर रहे हैं, इतने सालों से दुआ करते हैं, सोचते नहीं हमारी क्या गलती है, सरापा गुनाह है तुम्हारा, हराम माल खा के दुआ करोगे तो कभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। ये भी एक मुसीबत है, माल की मोहब्बत ज़्यादा आने की वजह से आदमी हराम कमाई की तरफ मैलान रखता है, उसकी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता है। लिहाजा हमको चाहिए कि इसका ख्याल करें। एक और हराम कमाई नाजायज कमाई का तरीक़ा ये है, बहुत सारे लोग दो चीज़ें इसको बोलते हैं, कारखाने वाला या दुकानदार या बिजनेस करने वाला, इनकी ज़िम्मेदारी क्या है, आप जिनको भी मुलाजिम रखे हैं अपनी कंपनी में दुकान में उनका हक़ अदा करें, वक्त पर तनख्वाह देना, उनको कोई मुसीबत परेशानी आई मदद करें, ये मदद ज़कात भी देकर कर सकते हैं या सदका खैरात से भी मदद कर सकते हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा जो मुलाजिम है नौकर हैं कंपनी में किसी भी चीज़ में, उनका भी एक हक़ है, जो कुछ लेते हैं तनख्वाह उसका हक़ अदा करना, उतना काम करना, उतनी ड्यूटी देना, ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये भी बहुत बड़ा एक हक़ है, इसका ख्याल करना चाहिए। आम तौर पर ऐसा होता है आदमी अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल नहीं करता, हक़ लेने की कोशिश करता, पूरा तनख्वाह लेना चाहता, पूरा काम नहीं करता, ये भी एक बहुत बड़ी अमानत में खयानत है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। तो लिहाजा हराम कमाई बहुत तरीक़ों से है, आदमी अगर इसका ख्याल नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है उसकी ज़िंदगी में सुकून इत्मीनान नहीं आएगा। हम में से कौन ऐसा आदमी है आज जिसके अंदर परेशानियां ना हो? परेशानियां दूर करने के लिए कुरान क्या इलाज बताता है? परेशानियां, डिप्रेशन, क्या क्या मुसीबतें, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अगर तुमको सुकून इत्मीनान जिसको पीस ऑफ माइंड आज लोग कहते हैं, अगर वो चाहिए अल्लाह के दिन पर अमल करो, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह की बातों पर अमल करो, सुकून क्या क्या होता दुनिया में फिक्र नहीं, बस हम मुसलमान हैं अल्लाह की मेहरबानी से, बस उसी पर अमल करते रहो तो तुमको सुकून मिलेगा। लिहाजा हमको चाहिए इन सारी बातों का ख्याल करें तो अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों को परेशानियों को दूर करेगा और अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी फरमाएगा, हमारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो अल्लाह के रास्ते से अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली चीज़ ये एक माल, और दूसरी चीज़ें जो कुरान के अंदर जिक्र की गई हैं जो हमको दीन से गाफिल करती हैं उनका जिक्र इंशाल्लाह फिर किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी भी दुनिया के सारे मुसलमानों की परेशानियों को दूर करे, अमन सुकून अता करे, अल्लाह ताला हराम कमाई से हराम माल से सारे मुसलमानों को बचाए, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। अकुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइर المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم। الحمد لله العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم انصرنا
على القوم الظالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين يا أرحم الراحمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.